नमस्ते दोस्तों। कल मेरे पास एक सवाल आया और उसमें पूछा गया था कि सर हमें बताइए कि लैपटॉप में और मोबाइल फोन में क्या अंतर होता है, मुझे लैपटॉप लेना चाहिए कि मुझे मोबाइल फोन लेना चाहिए, किससे मेरा काम चल जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद मैं देखा यार कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लैपटॉप और मोबाइल फोन के बारे में नहीं मालूम है, तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और बता दिया सबको। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मालूम होगा दोनों में क्या अंतर होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। तो इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपके मन से डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या काम होता है, क्यों कौन सा लेना चाहिए, सारी चीज़ें। उसके पहले आज चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उस वीडियो को देख लेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं लैपटॉप से, उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल के बारे में, फिर हम दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है लैपटॉप जो है ना ये, ठीक है लैपटॉप जो होता है ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है मोबाइल के मुकाबले, क्योंकि देखिए आपको एक लेटर टाइप करना है, लेटर टाइप करने के लिए मोबाइल पर टाइप करेंगे उतना टाइप नहीं कर सकते हैं, तो लेटर टाइप करना आपको है, आपको इंटरनेट पर काम करना है, आपको ऑनलाइन काम करना है, तो आपको पहले तो स्क्रीन बड़ा दिखेगा आपका, पहला चीज़ प्लस पॉइंट हो गया स्क्रीन बड़ा दिखेगा। और आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो लैपटॉप दीजिए, पहला चीज़ हो चुका। सेकेंड नंबर बात कर लेते हैं जो इसके अंदर लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि हमारे और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है ना, इसके अंदर जो लोड होता है। नॉर्मली वर्ल्ड के अंदर दो कंपनियां जो है कि मेनली बनाती हैं, वैसे और कंपनी बनाती हैं, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और एक है एप्पल कंपनी। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो विंडोज़ के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और जो एप्पल कंपनी है वो आईओएस के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। उसके अलावा लिनक्स है, उसके अलावा यूनिक्स है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम दो कंपनी के बारे में बात करें मेनली, एक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और एक बात करें एप्पल के बारे में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बेस का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें विंडोज एक्सपी लोड होगा, मतलब कि लैपटॉप में तो विंडोज एक्सपी लोड होगा, विंडोज 7 लोड होगा, विंडोज 8 लोड होगा, विंडोज 10 लोड होगा। ठीक है, इसमें वर्जन आते हैं लैपटॉप के अंदर और हमारे आपके बीच में। मान लीजिए कि डब्बा है, ये सिर्फ ये डब्बा है, अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर न पड़ा हो ना तो डब्बा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लियर हो चुका है। तो ये समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप का। सेकंड नंबर बात कर लेता हूँ कि अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम न रहे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं रहेगा आपके लैपटॉप के अंदर तो ये लैपटॉप क्या एकदम डब्बा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर समझ चुके हैं ना, ये मेन होता है। दूसरा चीज देखिए, ये थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट बोलूँ या नेगेटिव पॉइंट बोलूँ, प्लस नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपको कैरी करना पड़ता है, हैवी हो जाता है, और ये आपका छोटा सा पॉकेट में रख लेंगे इसको, आप इसको अपना काम कर सकते हैं, तो इसको लेके आप कैरी कर सकते हैं। और मेनली जो अब मैं काम करता बता दो कि जो भी लैपटॉप में काम होते हैं ना, काम होते हैं सब फोन, मेरे पास जो फोन पड़ा हो उस फोन से ही काम करता हूँ। जैसे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग काम करना है मैं उससे कर लेता हूँ। तो अब बताता हूँ लैपटॉप पर, बेसिकली समझ चुके हैं ना कि ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये देख सकते हैं दिखने में ऐसा होता है कि लैपटॉप आपका हो गया। तो मेन मोबाइल के अंदर इसके अंदर जो चीज होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप फोन लेते हैं, चाहे किसी ब्रांड का लेते हैं, चाहे सैमसंग का ले लीजिए, चाहे रेडमी का ले लीजिए, चाहे रियलमी का ले लीजिए, किसी कंपनी का फोन ले लीजिए, तो इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें गूगल कंपनी का मेनली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। गूगल जो है एंड्रॉयड नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, एंड्रॉयड समझिएगा, जैसे आती है विंडोज के अंदर 7 होता है, लोड होता है, और इसके अंदर गूगल का जो है एंड्रॉयड नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, किटकैट हो गया, पता है अलग अलग तरीके का नाम होता है, पढ़ेंगे आप ना, तो इसमें गूगल का जो एंड्रॉयड है ये अलग अलग वर्जन आता है। जो भी कंपनियां आज के डेट में फोन लेते हैं, चाहे आप ले लीजिए सैमसंग का ले लीजिए, चाहे आप रेडमी का ले लीजिए, चाहे एमआई का ले लीजिए, चाहे आप वीवो का ले लीजिए, जो भी मोबाइल लेंगे ना उस सब के अंदर आपका एंड्रॉयड लोड होता है। एंड्रॉयड देखिए कंपनी ने तो फोन बना दिया, मान लीजिए कि आपने जो है रेडमी कंपनी का फोन लिया, फोन कंपनी बना दिया हुआ है, लेकिन वो टाई अप करती है गूगल से, और गूगल से वो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद में उसके ऊपर लोड कर देते हैं। जो गूगल में आप देखते होंगे प्ले स्टोर होता है, एक होता है इसमें एंड्रॉइड के अंदर प्ले स्टोर होता है, आप वहां पर जाकर के जो फ्री में सॉफ्टवेयर बनते हैं गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको फोन में बेसिकली जो है इसमें मिलेगा आपको एंड्रॉइड मिलेगा, उसमें मिलेगा विंडोज। ऐसा नहीं कि विंडोज वाले फोन नहीं आते हैं, लेकिन विंडोज वाले फोन जो आते पहले, कि नोकिया कंपनी का जो फोन आता था ना वो विंडोज बेस्ड नॉर्मली होता था,
लेकिन बहुत सारे लोगों को विंडोज बेस पसंद नहीं आता, वो क्या लेते हैं, आपका लेते हैं वो एंड्रॉइड बेस लेते हैं, क्योंकि यूजर फ्रेंडली होता है और आप अगर 10 लोग को सिलेक्ट करेंगे 10 लोगों के अंदर आपको 9 लोगों के पास एंड्रॉइड फोन मिलेगा, तो इसलिए इसमें एंड्रॉइड होता है, इसके अंदर विंडोज होता है। अब रहा बात क्या, जो ये काम इस पे कर सकते हैं, पूरा पूरा काम इस पे कर सकते हैं। खुद सोचिए भैया कि ये बड़ा स्क्रीन दिया हुआ है आपको, वर्ड पे टाइप करना, आपको एक्सेल पे टाइप करना, आपको टैली पे काम करना, मतलब ज्यादा कुछ काम करना, तो एज ए प्रोफेशनल काम करना अगर हो गया आपका, तो आप इसको, आपको नेट चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास करना, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मजा कहते हैं मजा आता है, तो आपका इसमें काम करने में अलग रहेगा। कीबोर्ड बड़ा दिया हुआ है, ये सारी चीजें हो गई हैं, और आज के डेट में लैपटॉप सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे ना तो आपको लैपटॉप पे काम मिलता है, ना कि मोबाइल फोन पे काम मिलता है। तो मेन डिफरेंस, लैपटॉप को आपको विंडोज मिलेगा और इसमें आपको एंड्रॉइड मिलेगा जो गूगल के द्वारा, विंडोज मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ फोन आप देखेंगे किसी के हाथ में एप्पल कंपनी का फोन देखते हैं, एप्पल कंपनी का फोन होता है, तो एप्पल जो कंपनी का फोन होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो लोड होता है iOS, नोट करिएगा, iOS लोड होता है, मतलब एप्पल का खुद का बनाया हुआ iOS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसके अंदर जो है आपके मोबाइल के अंदर लोड होता है वो। तो ये जो फोन होते हैं ना, ये वाले फोन, इसमें अगर चाहूंगा तो iOS लोड करना तो नहीं हो पाएगा, मतलब एप्पल वाला सॉफ्टवेयर है ना वो इसमें लोड करना नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एप्पल वाले फोन के ऊपर अगर आप चाहेंगे एंड्रॉइड लोड करना तो वो भी लोड नहीं हो पाएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये सारी चीजें हैं। तो मोबाइल अपनी जगह है और ये आपका जगह है। देखिए आज के डेट में बहुत महंगे महंगे मोबाइल आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ सैमसंग का F62 है, और नॉर्मली जो मुझे काम करना होता है ना मैं उस पर कर लेता हूँ, जैसे वीडियो बनाना हो गया, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, यूट्यूब पर डालना हो गया, तो मेरे फोन से चल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है कि आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मोबाइल से काम चल सकता है। तो देख लीजिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप काम करना चाहते हैं, उस बेस पे आप कर सकते हैं। वरना अगर मैंने फोन खर्चा किया हुआ है, जो 25,000 रुपये फोन फोन लिया हुआ है, तो आप 25,000 रुपये कंप्यूटर भी ले सकते हैं और कंप्यूटर लेके काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब लगता है कि कोई पूछेगा कि आपको लैपटॉप के अंदर और मोबाइल फोन के अंदर क्या मेनली डिफरेंस होता है, तो बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो बनाकर मैं चाहता हूं कि जिनको नहीं आता है ना वो कम से कम इसे सीखे और उससे इसका फायदा उठे। दोस्तों जय हिंद, जवाब फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, किसी टॉपिक साथ में, तब तक आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।